जी भगवान बेलो बेलो दजा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7 बजे से, और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली आप सब लोगों के घर में ढेर सारी खुशियां आए और पटाखे आराम से फोड़ना, क्योंकि पटाखों से हम लोगों को नुकसान भी हो सकता है, तो पटाखों से तो पहले तो दूर ही रहना। फुलझड़ी वगैरह जला लेना, लेकिन जिन पटाखों पे ज़्यादा आवाज़ आती है या फिर जिनसे खतरा होता है उनसे दूर ही रहना। मैं तो दूर ही रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखों से, तो मैं फुलझड़ी जला लेती हूँ या फिर जो छोटे छोटे पटाखे होते हैं उनको जला लेती हूँ। पहाड़ों में कोई भी बार त्यौहार होता है तो पूरी पकौड़ी तो ज़रूर बनती है, इसलिए मम्मी पापा सुबह उठ गए थे और लगे हुए हैं तैयारियों पर। अभी पापा से मिलाएंगे, मम्मी से मिलाएंगे आप लोगों को। और हमारे गांव में ना ऐसा रिवाज होता है, मतलब जिसकी दीपावली नहीं होती है उनके घर में भी पूरी पकौड़ी जाती है, तो अभी हम लोग बना ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेड़ा बांटने के लिए भी जाएंगे, मतलब अनमोल को भेजेंगे पेड़ा बांटने के लिए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी भगवान आपको, हैप्पी दिवाली सबको। हाँ, और सुबह सुबह पापा जी की ड्यूटी हमेशा की तरह लग गई है पकौड़ियों पे बनाने में। हाँ, तो आज त्योहार है तो त्योहार की पकौड़ियाँ बन रही है। हमारे पहाड़ों में त्योहार के दिन पूरी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। और यहाँ पे पापा कौन कौन सी पकौड़ी बना रहे हैं बताओ? आलू की है, गोभी की है, आलू दो तरह की है, गोल वाली है, चपटी वाली है। दो तरह की पकौड़ी है आलू की, हमारे यहाँ दो तरह की पकौड़ी बन रही है, साथ में गोभी की पकौड़ी बन रही है, और कुछ तो यहाँ पे बन भी गए हैं। ये देखो, तो पापा लगे हुए हैं, दिखाओ थाली, दिखाओ ऊपर करके। ये देखो, पापा ने इतनी पकौड़ियाँ बना दी हैं यहाँ पे, और पापा की ड्यूटी लगी हुई है पकौड़ियों पे, मम्मी लगी हुई है दाल पीसने पे, और मैडम देहरादून वाली मैडम अब आ रही है नीचे। क्यों भाई नहीं खुली? पहले तो ये बता, इतनी सुबह उठी कभी वहाँ पे? पहली बार देख रही होगी ना सुबह कैसी होती है और यहाँ पे हमारी माता श्री लगी हुई है दाल पीसने पे सिलवट्टे में। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? तो आपको हैप्पी दिवाली, आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए दोस्तों। हाँ। अरे यहाँ पे मैं सिलबट्टे में दाल पीस रही हूँ। हाँ, तो पकौड़ी खाने आ जाओ। ये देखो दाल की पकौड़ियां भी बन रही हैं हमारे यहाँ पे। दाल की पकौड़ी है, वो लोबिया नहीं होता। हाँ। वो भी भिगा के रखा है, उसके बनते हैं, हमारे गढ़वाल में कंजड़ा बोलते हैं उनको। हाँ। तो वो भी भिगा के रखे है, वो भी बनाएंगे। तो मैंने इनको बोला या तो शाम को बनाएंगे या तो कल बनाएंगे, क्योंकि अभी 3-4 तरह की पकौड़ियां हो गई। 3-4 तरह की पकौड़ियां बन रही है, अभी पूरी भी बनेंगी, फिर हमारे गाँव में पूरा पैणा जाएगा दोस्तों। सही बात, मिक्सी हो गई हमारी दोनों खराब। और मम्मी ने जो सूट पहनी है ये शीतल लेके आई थी, बहुत ही सुंदर लग रही मम्मी इसमें और पहन नहीं रही थी, मैंने कहा भाई आज बाहर त्योहार है नए कपड़े पहनो। जो घर में पहनती हूँ कपड़े वही पहने, फिर मोनिका मेरे को डांटती है। हाँ। इसने बोला बदल इनको और इनको पहन, तो मेरी शीतल लाई ये कपड़े दोस्तों, बहुत सुंदर लग रही है कुर्ती। हाँ, तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो खूब देखते रहना। हाँ। और मिक्सी हो गई दोस्तों दोनों खराब, नहीं तो मैं सिलबट्टे में नहीं पीस, थोड़ा बहुत पीस थी। कोई बात नहीं, अच्छा वो मिक्सी खराब हो गई, एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज भी होती है, अच्छी बात है। हाँ। और क्या करें, आप पीस, चलो पीसो पीसो। मम्मी दाल पीसती है, पापा जी यहाँ से पकौड़ियां बनाते हैं, और साथ साथ में शीतल यहाँ पे आग सेकने पे लगी हुई है, जड़ होगी पहाड़ों में ठंड स्टार्ट हो गई है, तो हम यहाँ पे बाहर पे चूल्हे में आग जला रखी है। तो पापा पकौड़ी जब बना देंगे उसके बाद शीतल और मैं बनाएंगे पूरियां, बाकी अनमोल तो अभी सो रखा है। पाले शेखी बोलो गांव तक है, देहरादून बोलो रंग ब्याल तक छो, ठीक है। आज एक शाह पर असली रूप में है ब्याल तक हीरोइन चौधरी होनी, आज वे फिर अपनी नशा। तो बाकी हाँ ना ना ठीक है, बाकी अभी शीतल यहाँ से पूरियां बेल रही है और मम्मी यहाँ से पूरियां निकाल रही हैं, और साथ साथ में यहाँ पे पेड़ा भी तैयार हो गया है जो जाएगा गांव में, मतलब जिनकी दिवाली नहीं है। फिर इसके बाद एक टोकरी और जाएगी। हाँ, बहुत पेड़ा है दोस्तों देने की, लगभग आधा गांव समझ लो। हाँ, क्योंकि दिवाली नहीं है लोगों की, तो उनके लिए उनके घर पे जाती है पूरी पकौड़ी। तो अनमोल जा रहा है पेड़ा बांटने के लिए, चलो तब। बाकी यहाँ पे हमारी दादी लोग भी आ गई हैं हमारी बगवाल खाने के लिए। हेलो दादी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को, अच्छे होंगे आप, हम भी बहुत अच्छे हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी को। हाँ। हमें भी। दादी लोगों की दीपावली नहीं है तो इन्होंने पूरी पकौड़ी नहीं बना तो रखी, नहीं है दोस्तों, वही तो हर साल ऐसी हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, क्या करें, वही तो यहाँ पे आ रखे चाय पीने के लिए। मैंने कहा और दिन तो आते ही हैं और आज सुहाड़ी पकौड़ी बना रखी है, हमने अभी पी थी चाय, अभी गए हम गौशाला। कोई बात नहीं, पूरी पकौड़ी, पूरी पकौड़ी खा के जाओ। तो अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ नेहा कक्कड़ मैम। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो मैम? बढ़िया। मैम एक बार हमारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली दोस्तों। थैंक यू मैम। तो इसका आपने सुबह वाला लुक भी देखा होगा, कैसा मसाण जैसी लग रही थी, क्योंकि उसी टाइम उठी थी, मुंह भी नहीं धुल रखा था, उस टाइम बोल रही थी मेरे को मत निकाल, मेरे को मत निकाल। मैंने कहा यार जब तेरा अच्छा लुक दिखाना है
तो थोड़ा बुरा लुक भी पड़ेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कैसी और कैसी बन गई। तो अभी हम लोग नहा धो के चल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मैं तो जाती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन शीतल काफी महीने बाद जा रही है ना, कितने महीने, 4 महीने हो गए। हाँ 3-4 महीने हो गए, क्योंकि मेरी सगाई के टाइम पे आ रही थी, उसके बाद से सीधे अब आ रही है घर पे। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में, यह है हमारे गांव का मंदिर, माँ नारी देवी और तुंगेश्वर भगवान का मंदिर। और अभी हम लोग मंदिर से लोटे लेके आ गए हैं, यहाँ पे जा रहे हैं जल लेने के लिए, यहाँ पे हमारे गांव का धारा, तो यहाँ से जल चढ़ाएंगे भगवान जी को। तो दोस्तों अभी हम लोगों के मंदिर में दर्शन भी हो गए हैं अच्छे से, और माँ नारी देवी तुंगेश्वर भगवान की कृपा आप सब लोगों पे भी बनी रहे। और बाकी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं कि मेरी फोटो खींचेंगे, तब से इतनी फोटो खिंचा दी ना इसने मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी। किसने? इसने नहीं हो रही, 2 फोटो खींच के लेके जाऊंगी ना, आराम से करते रहूंगी फिर फोटो अलग वीडियो अलग। और बाकी अनमोल भी आ रहा था हमारे साथ, आपको अनमोल से नहीं मिलाया था। हैप्पी दिवाली सबको बोल दे, हैप्पी दिवाली। हाँ और कुछ नहीं, पटाखे कम फोड़ना ऐसा भी बोल दे, पटाखे ज्यादा फोड़ना, कम फोड़ना। जान बुझ के बोला मैंने ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि ये कल से इतने पटाखे फोड़ रहा है ना, शीतल ने भी इसके लिए पटाखे ला रखे हैं, कुछ हमने भी दिला दिए थे इसको। बाप रे इतने तेज आवाज आ रही ना उनपे, हमको पटाखों से लगता है डर है ना, जैसे हम लोग ला रखे छुरड़ी, हाँ वही तो फुलझड़ी वगैरह ला रखी हम लोगों ने, तो हम वही जलाएंगे, बाकी सारे पटाखे तो इसी के लिए ला रखे हैं। बाकी इन दोनों की यहाँ पे फोटोज वगैरह लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे ताई जी हैं, ताई हेलो बोला। हेलो ताई जी, हमारे यहाँ पे दाल की पकौड़ी लागे खाने के लिए, ये देखो। तो अभी हम लोग आ रखे हैं वर्षा भुली के घर पे। हेलो वर्षा भुली, हैप्पी दिवाली आपको, सेम टू यू आपको भी। हाँ और वर्षा यहाँ पे नाश्ता कर रही थी, हम लोग ठीक टाइम पे पहुँच गए पकौड़ी खाने के लिए, है ना। आज पकौड़ी खाने का खूब जोग है हमारा, खिलाएंगे ना ये आ रखे आज। वही तो, आज हमको कोई नहीं पूछ रहा, सब इसी को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी दाल की पकौड़ी खाते हैं हम लोग, करो तब तुम नाश्ता। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और यहाँ पे हमें हमारी सिंगर चाची मिल गई हैं। हेलो चाची जी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों हैप्पी बोगाल आपको, बोगाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, और स्वाद पकौड़े खाने आ जाओ, आपका जीवन हमेशा दियो की तरह खिलता रहे, उनका जीवन खेलता रहेगा। फिर लोटों के लिए वो कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, लोटे धो यार एक दिन। सुनो सुनो, आज की बोगाल है ना, कल की है, कल तो कहाँ बनाना, हमने अपने लिए बनाना है, थोड़ा तो पहना जाता है। कल शाम को धो देंगे, कल शाम को धोएंगे, चलो को घास लाएंगे, ठीक है, और शाम को कल जरूर धोएंगे। दूसरा कमेंट नहीं आने देंगे, कमेंट अब दूसरा नहीं आने देंगे। हाथ जोड़ के आपसे विनती है बहुत ज्यादा कि आप लोग कितना ख्याल रखते हो, वही तो हर चीज का। बहुत अच्छी बात लगती है हमें, क्योंकि हमें किसी चीज में ज्ञान नहीं रहता, तो आप बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, ऐसे भी हमारी कहीं पर गलती होगी दोस्तों, जरूर बताना, ऐसे प्यार से, प्यार से। ये लोटे वाला कमेंट आता है जिसको देखे हम खूब हंसते हैं। पहले सुनो, आज जैसे आज पकौड़ी बनाई पीली पीली, तो दोस्तों दीदी भी आज बिल्कुल पिघली बन रखी है आज। शीतल लाई है ड्रेस मेरे को, अच्छा तो मेरे को बता देगी, मैंने घर के कपड़े पहने थे, और मैंने इसके पापा को बोला भी, मोनिका देखेगी तो मुझे डांटेगी, तो ये मेरे को डांटने लगे कि अंदर संभालो उन कपड़ों को। शीतल भी देख रहे कितनी अच्छी लगी, शाम को डिस्को डांस होगा, ठीक है, शाम को डिस्को, हाँ हाँ डिस्को होगा, व्यवस्था व्यवस्था कर दी हमने, शाम को होगा डिस्को, झुमेलो भी करेंगे, करने आना रे, पूछ लो तू भी। सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे, और अनमोल लगा हुआ है यहाँ पे अपने पटाखे सुखाने पे। बचपन में हम लोग भी ऐसे लगे रहते थे, और ये पटाखे आप लोगों को दिख रहे होंगे ना कि थोड़ा सा, लेकिन ये पटाखे कितने के हैं, 800 के पटाखे, पता नहीं इतने महंगे कब हो गए भाई ये पटाखे, ये जो ये छोटे छोटे ना ये चरखी, इनको हम लाते थे 15 का हो गया, एक एक दो रुपए के लाते थे हम इनको अपने जमाने में, 7 रुपए का भी हुआ। अभी ये लड़कियों के पटाखे ना, अभी लड़के के पटाखे नहीं है, अभी लड़कों के कैसे रहते हैं देखना ना, बड़े रहते हैं वही तो, दिखने में ऐसे लग रहे हैं थोड़ा से होंगे 150 रुपए के, लेकिन ये 800 के, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा भाई इतने महंगे महंगे पटाखे ला रखे मैंने। हेमा तू पहले पटाखो देखा, 1000 रुपए दिन से, 50 रुपया, 100 रुपया नहीं कति पटाखो, 50-100 रुपया बहुत ज्यादा रे, कितने के 800 के, देख कितने से थोड़ा सा,
नहीं इतनी महंगाई बढ़ गई। ये भी बोला था सच मानो आप विश्वास माने ना माने, मैंने इसको बोला था बेटा पटाखे मत लाओ, जैसे लोग फोड़ते हैं पटाखे तो भाई क्या करना, उनकी आवाज तो सुननी है। वही तो मैंने इसको बोला था अनमोल आवाज इतनी सारी आती है, मत ला पटाखे। अरे कोई बात नहीं, खर्चा है दोस्तों। अरे यही उम्र है पटाखे फोड़ने की, खर्चा मत करो। नहीं नहीं सुनने हैं ना तो सुन जाते हैं, दो चार साल बाद वो बड़ा हो जाएगा तब तो उसकी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका। गाना सुनना ना, घर पे नाचना वहां मजा ना। तो अच्छी बात है, डीजे लगाओ उसमें नाचो, पर ये प्रदूषण। अरे कोई बात नहीं यार, हर चीज की उम्र होती है अपने आप में। मैंने पढ़ा था चुप रहने ना दी। नहीं नहीं अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर पॉल्यूशन भी होता है ना इनसे। एक तो हमारा मतलब सिर्फ इनसे है, वही तो हमको बस फुलझड़ी जलानी है। पटाखों से बहुत डर लगता है दोस्तों, अगर ये अगल बगल भी फोड़ेंगे हाँ। मुझे बहुत डर लगता है। इसको फोड़ेंगे हम आज रात को या कल रात को, इसका शॉट कैसा चोट बने बस 7-12 इसका है शॉट। बाकी आप लोगों को मैं कल से बोल रही थी कि मैं आप लोगों को दिवाली गिफ्ट दिखाऊंगी हमारे, जो शीतल हमारे लेके आई हैं, लेकिन कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और मैं भूल भी गई थी आप लोगों को बताना, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरा गिफ्ट देख लो, ये देखो बहुत ही प्यारी सूट ला रखी है शीतल ने, और सबसे अच्छा तो मुझे इसका दुपट्टा लगा। ये देखो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है ना, मुझे दुपट्टा पसंद आ जाएगा तो मैं फिर सूट ले ही लेती हूँ। बहुत सुंदर सूट है दोस्तों, छोड़ो ना ये देखो, और ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ऐसे कलर में मेरे पास एक और सूट भी है, और बाकी जो मैंने ये सूट पहना हुआ है ना, ये भी शीतल ने ही ला रखा है। वैसे दीदी के लिए ला रखा था, लेकिन दीदी के लिए ये बहुत ढीला हो जाता तो इसलिए मैंने बोला ये मैं ही रख लेती हूँ, और दीदी के लिए मैं कुछ ऑनलाइन दिखा दूंगी, तो मतलब ना जो उसको पसंद आएगा। शीतल लाई दोस्तों, हाँ ये वाली सूट, ये शीतल पता नहीं इतना खर्चा जैसे कि इसकी सरकारी जॉब होगी। अरे कोई बात नहीं यार, कभी कभी चलता है ना, क्योंकि दिवाली त्योहार पे मैंने कहा चलो लाई दे। और अपने पापा के लिए भी वो देख रहे थे पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। पापा के लिए अभी हम लोग जाएंगे एक दो दिन में, क्योंकि ये स्वेटर के लिए बोल रहे थे कि मैं स्वेटर लेके आती हूँ पापा के लिए, और पापा के पास बहुत सारी स्वेटर हो गई, तो मैंने बोला एक शर्ट ही ला देना पापा के लिए, लेकिन उसको मिली नहीं रुद्रप्रयाग में। तो अभी हम लोग एक दो दिन में जाएंगे फिर लेके आएंगे, और बाकी अनमोल के लिए तो बस पटाखे ला रखे, क्योंकि उसने बोला कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस तू पटाखे लेके आ जाना। तो शीतल का इस बार दिवाली में बहुत खर्चा हो गया है ना, बहुत। तो बताना जरूर कमेंट करके आप लोगों को हमारे गिफ्ट्स कैसे लगे, खासकर मेरी सूट। सूट बहुत सुंदर है मोनिका के, है ना, अभी सिलाऊंगी मैं इसको। वैसे मैं ऐसे ना सिलाने वाले सूट बहुत कम लाती हूँ, तो पहली बार मैं ये सूट सिलवाने वाली हूँ, देखते हैं कैसे सिलती है हमारी टेलर मास्टर। तो अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, और शीतल के तब से हंस हंस के पेट दर्द हो गया, हम लोग इतनी मस्ती करने पे लगे हुए हैं। शायद से कुछ कुछ क्लिप में यहाँ पे डाल भी दूंगी, शायद आप लोगों को भी हंसी आ जाए। और बाकी यहाँ पे अनमोल चला रहा है साइकिल, ये देखो क्योंकि हमारा चौक ही इतना बड़ा है, यहीं पर हम लोग साइकिल चला सकते हैं। और बाकी शाम के खाने की तैयारी करते हैं, क्या बन रहा है शाम के खाने में? मिशनिया रोटी, क्या बोलते हैं उनको, हाँ मिशनिया रोटी गढ़वाली में बोलते हैं, मतलब भरी हुई रोटी होती है, जो दाल की भरी हुई रोटी होती है। तो मम्मी ने दाल भिगा के रखी हुई है सोयाबीन की, शायद से सोयाबीन की दाल की बन रहे हैं। तो अभी वो भी मेरे डिमांड पे आज, हाँ। आज कल से और आज तक मेरे डिमांड पे ही खाना बन रहा है, क्योंकि ये आरखी 2-4 दिन के लिए हमने बोला चलो इसके मन पसंद का इसको खिला देते हैं, तो मम्मी ने दाल भिगाई हुई है। उसके बाद हम लोग सिलवट्टे में दाल पीसेंगे और साथ में बनेगी पनीर की सब्जी, देखते हैं शायद पनीर की ही सब्जी बनाएंगे, अभी मम्मी को पूछूंगी क्या बनाना है। और मम्मी जा रखी है खेत में और हम लोग तब तक घर पे खाने की तैयारी करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने लड़ियाँ भी लगा दी हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने दिए भी जला दिए हैं जो कि हवा की वजह से ना बुझ भी रहे हैं, ये देखो। और बाकी यहाँ पे पापा जी तो लगे हुए हैं अखरोट खाने पे, ये देखो कितने अखरोट खा दिए पापा, 4 अखरोट खा दिए पापा ने हैं। और साथ साथ में यहाँ पे चल रही है डिनर की तैयारी, मैंने तो बना दी पनीर की सब्जी। और मम्मी और शीतल क्या बना रहे हैं? मम्मी हम बना रहे हैं दोस्तों जो भट होता है सोयाबीन, हाँ। उसकी बनती है भरवा रोटी, हाँ। हमारे गढ़वाल में उसको मिश्रा रोटी भी बोला जाता, हाँ। है तो आज त्योहार के दिन शीतल, हाँ, का मन पसंद, शीतल का मन भी था, और फिर वो पूरी पकौड़ी कितनी बनाने, थोड़ी सी बनाएंगे भगवान के पास रखने के लिए, बाकी ऐसे सादा खाना होगा, वही तो क्योंकि तेल तेल खा के भी ना अजीब सा हो जाता है, वही तो इसलिए हमने सोचा अभी सादी रोटी बनाते हैं, मिश्रा रोटी। तो शीतल यहाँ से पकाएगी, यहाँ पे आग भी जल चुकी है हमारी, और साथ में बनी हुई है मटर पनीर की सब्जी, हाँ। तो मम्मी लोग डिनर बनाते हैं, उसके बाद फोड़ेंगे पटाखे, भेलो दजा। तो अभी हम लोग आ रखे हैं ऊपर छत में और यहाँ पे जला रहे हैं हम लोग रॉकेट, ये देखो हैप्पी दिवाली। अभी यहाँ पे दूसरा पटाखा लेके आ गए, ये कौन सा पटाखा है? ये इसका सोडा सा है, छोटा वाला, चलो इसको भी जलाते हैं, अभी देखते हैं नीचे फूट गए कि ऊपर जाएगा, वो मुझे पता नहीं, पहली बार ट्राई कर रहा हूं। इसका ये शॉट है तो ऊपर ही जाएगा भाई मेरे हिसाब से, पहुंचो हम गात होने की। गाइस पटाखों से दूर रहें, अनमोल की तरह ना करें, टिमो अरे ढंग से जगो ना,
ये तो नहीं हुए जान भी बोला के बेटा है कोई नहीं कैसे पटाके ला रहा 12 चोट वाला भी है 12 चोट वाला 12 शॉट वाला भी है अभी 12 शॉट की 12 चोट 12 चोट भी शॉट भी तो अभी उसको भी फोड़ेंगे हम लोग। बाकी गांव में आज चारों तरफ पटाखों की आवाज आ रही है जहां तहां से। ये देखो हैप्पी दिवाली हैप्पी भगवान बेलो बेलो दजा के भैया। तो अभी यहाँ पे हमारी मिश्रणियाँ रोटी बन के तैयार हो गई हैं। ये देखो ये है मिश्रणियाँ रोटी बनाई है। हाँ, मम्मी यहाँ से बना के दे रही है, मतलब बेल के दे रही है। बेल के दे रही हूँ दोस्तों, ज्यादा नहीं बनाए हमने, दो चार बनाए सिर्फ। हाँ, और यहाँ से दो चार बनाए बस, टुकड़ फुल हुई नहीं नहीं तो हैं तो हम इतने सारे पांच खाने वाले। हाँ, तो एक एक डेढ़ रोटी। तो यहाँ पे मिश्रणियाँ रोटी बन गई है दादी अज्ञा का। सबसे पहले हमने दादी को दे दी चखने के लिए, है ना दादी। हैप्पी भगवान धन्यवाद हाँ सभी तो शुभकामनाएं बुन सब खुश रहनी पुण्य रोटी खुशी रोटी भलीवाणी। हाँ तो दादी यहाँ पे आ रखी थी, दादी को भी हमने चखने के लिए दे दी है रोटी। ये भगवान जी दादा तब नाम एक मुरा हुआ एक मुख हुआ ठीक जी मजाक कर रहे दादी ऐसी हंसी मजाक करती रहती है ना। और पापा भी यहाँ पे देखो पिन से लगे हुए हैं अखरोट खाने पे। हाँ खाओ खाओ पहले तक बैठी ना तो क्या करूं दोस्तों मेरी माँ पहले की तरह नहीं रही। अब उम्र भी हो गई ना मेरी, ये बोल रहे हैं मेरे को जब घूम रहा है तो तू भी डांस कर बल तो कहाँ ताकत नहीं है ना। ताकत नहीं है घासा भर लेना खूब ताकत है तुम्हारी, इंजॉय करने के लिए ताकत नहीं है। उम्र होती है उम्र घास की बाहर तो क्या। इंजॉय योर लाइफ इंजॉय करते हैं लाइफ में एंजॉय करते हैं अब करते हैं थोड़ी। हाँ, अब करते हैं जब दगड़िया मिलेंगी तब। हाँ भेलो अबे शितो ते वो ढाक कर दो लोड़ी पहले ते कर दो लोड़ी ते दौड़ दो इंच बटन अनार कर दो लोड़ी उल्टा Let's go!
रात के लगभग 11:30 बजे हम लोग आ गए हैं अपने घर पे और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। परसों मैंने उतना डांस नहीं किया था जब मेहंदी में गई हुई थी, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी और ऊपर से मैं व्लॉग भी बना रही थी, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था भाई दिवाली के दिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, खुद इन्जॉय करूंगी। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया, मतलब मस्त मज़ा आ गई। तो आप लोग बताना आप लोगों की दिवाली कैसी कैसी रही, और साथ में व्लॉग को भी एंड कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी भगवान, हैप्पी दिवाली।